आज की जो टॉकिंग बुक्स का जो सेगमेंट है उसके अंदर मेरा एक बड़ा स्पेशल यार, बल्कि सबसे माय बेस्ट बडी बैठा हुआ यार यहाँ पे दफ्तर के अंदर, मोमेन हेलो। और आज की किताबें जो खरीदी हैं उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि मोमेन के लिए भी खास तौर पे जब मैं किताबें खरीदी जाता हूँ। मोमेन पढ़ते भी हो कि नहीं? पढ़ते हो? और आजकल मोमेन को सारा पूरा वो जो है विम्पी केड वाला जो सारे का सारा सेट है वो मैंने लेके दिया हुआ, और उसके अंदर से 3/4 तो पढ़ ली हुई है, दो चार भी किताबें रहती हैं। मोमेन विम्पी केड में क्या होता है यार, बताओ। तो उसका वो आगे क्या होता है फिर उसके साथ, विम्पी केड इन हॉलीवुड वाली भी और बाकी। खैर, प्रोग्राम मेरे बारे में आपने नहीं तो सारे के सारा मोमेन का प्रोग्राम करते रहेंगे। मोमेन के लिए जो मैंने किताबें खरीदी हैं, आसान, ये ओरिजिनल नहीं है, अब्रिज्ड हैं, इलस्ट्रेटेड क्लासिक्स। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सस्ती मेरे ख्याल में 200-200 रुपए के अंदर एक तो जंगल बुक रडियर्ड किपलिंग की है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स चार्ल्स डिकन्स की, जर्नी टू द सेंट्रल ऑफ द अर्थ, ये इंडिया से होके आई हुई है। इनके अंदर इतनी तस्वीरें नहीं है, इतना ज़्यादा इलस्ट्रेटेड नहीं है जितनी ये वाली एक सीरीज़ है, और ये एक जंगल बुक के साथ ट्रेजर आइलैंड इलस्ट्रेटेड क्लासिक्स, ओम इलस्ट्रेटेड क्लासिक्स। ये आपको वैरायटी बुक से 340 रुपये लिखे हुए हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तानी, तो मुझे वैसे महंगी पड़ गई, मैंने 200 रुपये के अंदर उस बल्कि 250 के अंदर दी है। आई शुड हैव चेक दिस। खैर, ये दोनों किताबें अच्छी अपने बच्चों के लिए लीजिए। क्लासिक्स जो हैं ओरिजिनल जुबान उसकी मुश्किल होती है और थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में भी होती है, उसको ब्रिज करके। तस्वीरें भी कोई खास बुरी नहीं है, अच्छी बनाई हुई है, तो मोमेन उम्मीद है कि ये पढ़ेगा। एक तो ये उठाई हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे आजकल आज अगर आप जाते संडे बाजार में, ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन वहाँ पर इफ़ यू हैड गॉन, आपको 200 रुपये की, 200 की कम किताबें, 300 रुपये की और 500-500 रुपए की आपको बेशुमार थदियाँ मिलेंगी। वहाँ से मैंने 250 वाले में से एक बहुत अच्छी किताब, लॉ की, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ये मेरे ख्याल में इरफान वालों की छपी हुई है, ये ऑलरेडी प्रॉबेबली शायद मेरे पास है, और लगता है किसी की लाइब्रेरी से उठा के इन्होंने मार्केट के अंदर चल रही थी वाइस कॉलेज की लाइब्रेरी की लाहौर, ये वहाँ पे मिल रही थी यूज के अंदर। आई एम होपिंग कि चोरी की नहीं, और वहाँ पे डिस्चार्ज उन्होंने जो खाली की होती हैं एक्सेसिव हो जाती हैं किताबें उसके अंदर से आ रही है। क्रिकेट स्ट्रेंजेस्ट मैचेस इंटरेस्टिंग, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। 150 ईयर्स ऑफ क्रिकेट के अंदर मुख्तलिफ जो मैचेस हैं क्रिकेट ऑन डेक मेडिटेरेनियन सी के अंदर, सी से के ऊपर वहाँ पे साउथहैम्पटन के अंदर मुख्तलिफ मैचेस के स्कोर्स भी लिखे हुए हैं। किताब अभी तक पढ़ा एक, सबसे ज़्यादा वैसे अगर आपने देखा होगा मैच खेलते खेलते बंदा फौत हो गया तो उसके अंदर स्कोर कार्ड के अंदर था रिटायर्ड डेड, तो खैर इस तरीके से वो उसका शायद इसमें जिक्र है कि नहीं। ये किताबों की सीरीज़ बहुत अच्छी है, 300-500 मांग रहा था बात करके एंड में, फिर जब उससे मैंने कहा नहीं यार बहुत महंगे, वहाँ से चला गया तो पीछे से भागा भागा आया। जो नॉर्मल तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, 300 के अंदर मिली शेक्सपियर ग्राफिक गाइड की जो सारी सीरीज़ है, आपको वैसे मिलती तो अब 800 रुपये की, लेकिन अगर 300 में मिल रही है मुख्तलिफ चीज़ों की, ये वर्जीनिया वुल्फ आई बिलीव, हाँ, कार्टून्स कॉमिक्स के अंदाज के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जेंडर क्वेश्चन और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स क्रिटिसिज्म के, ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होती है, जेनेटिक्स पे, दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर, बल्कि अगर आप इसके अंदर देखना शुरू करें क्वांटम थ्योरी, नीचे मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, आई मीन कई सौ इस सीरीज़ के अंदर किताबें मौजूद हैं। यहाँ पे भी ये देखें, हाइडेगर, फिलोसफर्स, फूको, फेमिनिज्म, केओस, सो ये भी हासिल किए जा सकते हैं, डेफिनेटली रिकमेंड दम, जहाँ पे भी मिलें तो उठा लिया करें, बल्कि सारे ऑनलाइन भी आपको वैसे तो मिल जाएंगी। बट अनदर बुक जो कि मुझे वहाँ पे पढ़ी हुई मिली है, मेन आर अ जोक, मोर स्टूपिड मेन जोक्स एंड अदर लाफिंग मैटर्स, ये मैं अपनी बेगम को दे दूंगा ताकि वो मेरा मजाक उड़ाए। आज वैसे हम मोमेन के साथ बैठ के हम झूले के ऊपर अपनी बेगम को वहाँ पे लेके गए हैं, जो स्केरी शिप नहीं होती जो उसके अंदर रेस कोर्स पार्क में हम सारे के सारे वॉक करके आए हैं। तो ये डू यू थिंक यू कैन फॉल फॉर मी, आगे से बीबी ने कहा ओनली इफ़ यू पुश्ड मी, सो व्हाट डिड गॉड से आफ्टर क्रिएटिंग मैन, आई कैन डू बेटर, फिर उसने औरत बनाई इनके कहने, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ योगर्ट, योगर्ट हैज़ कल्चर, और व्हाई डिड द स्टूपिड मैन क्लाइम अप टू द रूफ ऑफ द बार, ही हर्ड दैट ड्रिंक्स वर ऑन द हाउस, सो ऊपर जाके छत के ऊपर चला गया। हाउ डू अ स्टूपिड मैन्स ब्रेन सेल्स डाई,
वो कहते हैं अलोन, यानी दो ही हैं उसके ब्रेन सेल्स के अंदर। अब देखें, जोक एक्सप्लेन अगर करना पड़े तो ख़राब हो जाता, बट मैं क्या करूं यार, मैं खुद ही बीच में अपनी इंटेलिजेंस तक झाड़ झाड़ के आपके सामने शो मारता रहता हूँ हर वक्त। मुझे बात है, ये चीज़ अपनी चल रही है। वीडियो में मैं थोड़ी सी जल्दी ये कह रहा हूँ, मोमिन के साथ अभी वापस जाना है, मगर बजिद चंद दोस्त थे कि इस दफ़ा आपने ज़रूर ज़रूर वीडियो वीडियो बनाना है। ठंड इतनी थी कि इस दफ़ा मुझे मिला तो नहीं मार्केट के अंदर, लेकिन मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं। 100 रुपए की लिस्ट के अंदर लॉ रिलेटेड, ये दफ्तर में ही सेलिंग इनकम प्रॉपर्टीज़, वो किस तरीके से आप बेचते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये दफ्तर के लिए। साथ ये जो पिछली वाली है आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी दफ्तर के लिए खरीदी है, यहाँ पर छोड़ेंगे। हाँ, 100 रुपए की, और ये 100 रुपए की थदी, प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिटार प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, रोलिंग स्टोन्स का मेन गिटार प्लेयर कीथ रिचर्ड, उसकी लाइफ की मेरे पास दो तीन कॉपीज इसकी पड़ी, 100 रुपए की मिल रही थी तो मैंने फिर उठा ली। कीथ रिचर्ड्स का मशहूर ही है वो कैप्टन जैक स्पैरो नहीं है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाला, वो भी कहते हैं कि इसकी और इसके अंदर बल्कि सीरीज में उसके बाप के तौर के ऊपर आया भी था, इसके ऊपर बेस्ड है, बिकॉज इतने ड्रग्स और इतनी वाहियातियाँ वगैरह करने के बावजूद लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे ये जिंदा है। कीथ रिचर्ड्स म्यूजिकली भी बहुत ज़बरदस्त है, वेरी डेडिकेटेड टू म्यूजिक एंड ड्रग्स एंड वेमन एंड रॉक एंड रोल ऑफ कोर्स। एक और 100 रुपए की किताब लर्निंग स्पेनिश भी दफ्तर के अंदर ही छोड़ूंगा। यहाँ पे एक मैंने कॉर्नर बनाया हुआ है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस और डिक्शनरीज का, उसके लिए ये द एक्सपीरियंसिस ऑफ वेमन क्लाइंट्स वगैरह के लिए, उनको प्रेस करने के लिए वेमन इन चार्ज द एक्सपीरियंसिस ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। एक्चुअली लिया तो मैंने ये था अपनी चची मेरी डॉक्टर शैला जावेद अक्रम ने आज आना था, उनके लिए ख़रीदी थी, वो वेमन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसके लिए आई थॉट आईड गिव हर द कॉपी बट आई फॉरगॉट टू। सो ये भी दफ्तर के अंदर ही छोड़ूंगा, अगली दफ़ा जब आएंगे तो आई विल गिव हर अ कॉपी। इसके साथ साथ और किताब, ये इतनी अच्छी किताब नहीं है, इसकी मैंने ऑडियो बुक उतार के पूरी देखी है। इज़ वेरी फेमस गैरी स्पेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस के, इसको कहते हैं लॉयर्स, हाउ टू आर्ग्यू एंड विन एवरी टाइम। मगर ये सिर्फ लॉ स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी बात किया हुआ है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, शायद रीडिंग रिटन फॉर्म के अंदर शायद बेहतर हो। इसकी पायरेटेड कॉपी भी आपको हाई कोर्ट से मिल जाती है, बट ये मिल रही थी 300 रुपए की वहाँ पर हार्ड कवर में, सो आई गॉट दिस। एक बंदा जो स्पाई नॉवल्स के अंदर जो एक्चुअली खुद मेरे ख्याल में बिलीव सीक्रेट्स का सर्विस के अंदर था, और इट वाज अ पेन नेम जॉन लकारे, आई थिंक पेन नेम ही था इसका, जॉन लकारे, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई। एक ज़माने के अंदर ये जब कोल्ड वॉर थी उसके बारे में ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द, नहीं यार इसका असली नाम है, आई वॉज ऑलवेज फॉरन सर्विस के अंदर भी था, और 5 ईयर्स इन ब्रिटिश फॉरन सर्विस और ईटन वगैरह के अंदर पढ़ने और ऑक्सफर्ड से पढ़ने के बाद इसने किया। आई गेस दैट्स हिज रियल नेम, मे बी आई वॉज आई मिस्टेकिंग इट विद समवन आई गेस। इसके साथ इयान फ्लेमिंग ने भी, फॉर एग्जाम्पल जेम्स बॉन्ड जिसने इन्वेंट किया वो भी अपेरेंटली फॉरन सर्विस या सीक्रेट सर्विस के अंदर था। तो एक दिस इज़ वर्थ रीडिंग, ये घर वापस जाएगी। पॉलिटिशंस जोक बुक, आजकल मैं पॉलिटिशियंस के काफ़ी कागजात एक्सेप्ट और रिजेक्ट वगैरह करवा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कहा चलो पकड़ लेते हैं, 100 रुपए के अंदर थे और उसके अंदर से जोक पढ़ लेते हैं। एक, मिस्टर कार्टर वंस कॉल्ड इन वन ऑफ हिज ब्राइट यंग जॉर्जिया असिस्टेंट्स एंड सेड द पीपल वांट टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट द फार्म हिल। आई डोंट हैव दैट फाइल विद मी, रिप्लाइड द जॉर्जियन, बट यू कैन टेल द पीपल इफ वी ओ इट वी विल पे इट। समझ ही नहीं आई है, हर अमरीकी बोंगियों की कई दफ़ा समझ नहीं आती। जेरी फोर्ड मूव टू पाम स्प्रिंग्स कॉल कैलिफोर्निया बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी नियर द कंट्रीज रियल सीट ऑफ पावर, फ्रैंक सिनाट्राज हाउस। हाँ, वो कहते हैं ना कि जी सिंगर जो था फ्रैंक सिनाट्रा, वो बिहाइंड द सीन बड़ी चीज़ें कंट्रोल करता था। आई सॉ फॉर्मर प्रेजिडेंट निक्सन इन अ चर्च प्रेइंग, ओ रियली टू होम, कि हाँ वो किसको प्रे कर रहा था, और प्रे पी आर ई वाई भी हो सकता है, फिर भी नहीं समझ आई। खैर, इतने अच्छे जोक्स नहीं, मज़ा नहीं आए हैं, यहाँ पे अपने डेस्क के नीचे रखता हूँ, किसी और वक्त पढ़ के बताऊँगा। या आपके वीडियो से पहले शायद तैयारी मुझे करनी चाहिए, नहीं होमवर्क तो नहीं है ना कि जी मैं पहले किताबें पढ़ के मार्क करके रखूँ। साथ ही और 200 की थद्दी के अंदर कलेक्शन ऑफ अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज, पेंगुइन की हमेशा अच्छी होती है, इसमें आई बिलीव 21 शॉर्ट स्टोरीज हैं, और
सम ऑफ द टॉप शॉर्ट स्टोरी राइटर स्टैंडर्ड वाले तो हैं जो इनके अंदर मशहूर वगैरह, वो तो वाशिंगटन अर्विन, स्लीपी हॉलो तो हमेशा होता ही है, नथैनियल हॉथॉर्न, पो का हाउस ऑफ वाशर वाला, हर्मन मेलविन शॉर्ट स्टोरीज का नहीं हो, मोबी डे किसने लिखी हुई है, बार्टल भी, मार्क ट्वेन, हाँ ये बहुत अच्छी है, द मैन दैट करप्टेड हेडलीबर्ग, वेरी नाइस शॉर्ट स्टोरी, हेनरी जेम्स, ओ हेनरी, माई वन ऑफ माई टॉप थ्री शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, ये ज़रूर घर में लेके जाएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। आखिरी सेट और भी हैं किताबें, बट आखिरी सेट आपके साथ डिस्कस करके घर के लिए भागते हैं। एक रीडर स्टीफन क्रेन का रेड बैज ऑफ करेज, आई बिलीव इसने लिखी हुई थी, और भी जो इसकी किताबें, इज़ वन ऑफ द अर्ली अमेरिकन टॉप राइटर्स जो थे स्टीफन क्रेन का, उसकी कलेक्शन है बुक्स की, और आई बिलीव शॉर्ट स्टोरीज आर्टिकल्स भी हैं। लास्ट ऑफ द मोहिकन्स इसने तो नहीं मेरे ख्याल में लिखी, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स का प्रॉब्ली उसके क्रिटिसिज्म उसने प्रॉब्ली लिखा हुआ है, ये आई एम नॉट श्योर इसने स्टीफन क्रेन ने लिखा हुआ और लास्ट ऑफ द मोहिकन्स आई डोंट नो, बट सो उसकी किताबों की उसकी वॉर स्टोरीज, हाँ रेड बैज ऑफ करेज उसी की है, सलेमन काउंटी टेल्स एंड स्केचेस, फेबल्स और न्यूयॉर्क डेमी वर्ल्ड और वॉर स्टोरीज, हाँ उसके बारे में स्टीफन, आई थिंक ही डाइड यंग, क्या सिविल वॉर वगैरह के टाइम के अंदर इसका कोई मामला था, पढ़ के चेक करेंगे। लॉ की किताबें और जो वहां पे पड़ी हुई आपको सस्ती, इस दफा काफी ज्यादा मुझे मिल गई हैं, लॉ की तो स्ट्रिक्टली नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 1990 की, आप फंड ह्यूमन राइट्स के बारे में, प्रॉबेबली द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के बारे में 1990 के अंदर अगर आप देखेंगे, इट वॉज इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ से क्विकली उसके अंदर देखा था कि वंस अगेन जो पहले उस जमे 90 में भी जो थे, अब 2023 के अंदर भी ये मसले मसाइल हैं, ये लिखा हुआ है अहमदिया कम्युनिटी का लिखा हुआ है, पीपल्स पार्टी की उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट थी, एथनिक कम्युनिटी सिंध के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है, सलमान तासीर साहब फौत शहीद कर दिए गए, उसके बाद सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, हदूद ऑर्डिनेंस के बारे में, और इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह लिखी हैं हदूद लॉज के बारे में और स्पीडी ट्रायल्स वगैरह के बारे में। इट्स गुड, आपके पास पूरा सेट होना चाहिए अगर आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। ये वाली किताब मैं फिर यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ जो कि करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स वाली किताब भी इधर ही छोड़ रहे हैं। अच्छा इसी के साथ यूरोपियन कोर्ट जो है उसका एक सप्लीमेंट है, ओरिजिनल किताबें इनकम्प्लीट आपको काफ़ी मिल जाती हैं लेकिन पढ़ने के काबिल हैं, मुझे यूरोपियन लॉ के बारे में कुछ नहीं पता तो इसलिए मार्केट के अंदर अवेलेबल थी, ये भी पता नहीं किसी की, पाक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसिस की किताब है जो कि मार्केट के अंदर बिक रही थी, वहाँ से उठाई। अब टीचिंग में चूंकि इंटरेस्टेड हूँ और बार वोकेशनल कोर्स हमारा शुरू हो रहा है, गेटिंग बिगिनर्स टू टॉक है, तो ये बच्चों के लिए या कोई जो इब्तदा के अंदर कैसे टीचिंग के अंदर आप कैसे किसी से बुलवा सकते हैं, बट यहाँ पे चूंकि आर्ग्यूमेंट्स करवाने हैं और लड़कों से, और अभी भी लॉ कॉलेज के बाद भी बोलने की आदत वगैरह नहीं होती वो, इसलिए उठा लिया। ये भी सारी की सारी 200-200 रुपए की उसकी थी, यूजिंग अ कंपनी टू सेव टैक्स, इस तरीके की कोई पाकिस्तान की किताब बना के वो शेयर करेंगे। ये भी लॉ रिलेटेड थी, और भी लॉ रिलेटेड, फॉर एग्जांपल द बर्थ ऑफ द रिपब्लिक, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनी, जॉर्ज वाशिंगटन ये बना हुआ है, अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में, ये साथ ही फाउंडिंग फादर्स जो हैं जेफरसन, मैडिसन, जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ये सारे के सारे जॉन एडम्स, उनके बारे में है, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या थी और इनकी पर्सनालिटीज़ ने उनकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ऑर्गेनाइज की। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो कन्वेंशन हुआ था उसी के ऊपर पता नहीं किसी की कलेक्शन आई थी, डेविड ओ स्टूअर्ट की अच्छी किताब है ये, वॉशिंगटन पोस्ट के बेस्ट सेलर लिस्ट के ऊपर भी थी, मैन हु इन्वेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन वो आई मीन मुल्क के अंदर क्या पड़ी हुई थी, लैंड ओनर्स थे अमरीका में, मेरे ख्याल में 20-20 कॉलोनीज थी, 20 ममालिक ही आप कह सकते हैं, उनको यूनाइट करके कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कैसे एक मुल्क के अंदर उन्होंने इकट्ठा किया। शिपिंग लॉ की एक किताब वहाँ पे
200 रुपए की मिल रही थी वो भी उठा लिए, बिकॉज इस एरिया के बारे में मेरी इतनी तह में डिटेल नहीं, मैं नहीं पता। आज इस हफ्ते इतने ज्यादा केसेस नहीं, आई थिंक आई विल सिट डाउन एंड रीड। एक अमेरिकन पोइट जिसको अमेरिका का मेन पोइट कंसिडर किया जाता है, कार्ल सैंडबर्ग, उसकी हार्वेस्ट पोइम्स की ये 100 रुपए की किताब छोटी सी थी, तो आई पिक्ड इट अप। इट्स वर्थ रीडिंग, कार्ल सैंडबर्ग की हार्वेस्ट पोइम्स के अंदर से कुछ चलें पढ़ के आपको सुनाते हैं। Wind song. Long, long ago, I learned how to sleep in an opal, in an old apple orchard, where the wind swept by counting its money and throwing it away. In a wind-gaunt orchard, where the limbs forked out and listened on never or never listened at all. In a passel of trees, where the branches trapped the wind into whistling. Who are you? I slept with my head in an elbow on a summer afternoon, and there I took a sleep lesson. There I went away saying, I know why sleep, I know how they trap the tricky winds. Long ago I learned how to listen to the singing wind and how to forget and how to hear the deep whine. Slapping and lapsing under the day blue and the night stars, who are you? Who can ever forget listening to the wind go by, counting its money and throwing it away? इट्स इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे हमारा जो शहर बन गया हुआ है अब तो आपको एक ज़माने के अंदर घर के आसपास हमें यहाँ पे बर्ड्स भी नज़र आया करते थे, जानवर भी, कीड़े भी, हवा भी, अब बट ज़िंदगी कुछ इस तरीके से तेज़ हो गई है और कि ये वाली चीज़ें, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन कनेक्ट नेचर के साथ, तो आप शहर के अंदर तो प्रॉपरली कनेक्ट कर भी नहीं सकते। किसी ज़माने में हमारा गाँव भी था, वालिद साहब ने बीच में बेच डाला था, वहाँ पर सारी ज़मीनें वगैरह, वी डोंट गेट अवे, सो आई डोंट नो। चलो पोइट्री के अंदर ही है, इन किताबों के अंदर ही होगा, बट क्या आप ऐसी पोइट्री के साथ कनेक्ट करते हैं या करेंगे वगैरह, उसका नहीं पता। औरतों की पसंदीदा किताब ब्रिजिट जोन्स डायरी, हेनरी फील्डिंग, हेलन फील्डिंग की फिल्म्स भी इसकी बनी हैं, बल्कि 3 फिल्में बनी हैं इस सीरीज़ के ऊपर। इंटरेस्टिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन, आई जस्ट गिफ्ट टू अ फ्रेंड ऑफ जो भी बीच में। नॉन शरीफाना औरत की राइटिंग, फेयर ऑफ फ्राइंग एरिका जोंग की। और अनदर वन म्यूजिक के अंदर, इफ यूर एट ऑल, हसियंडा वॉज अ डांस क्लब इन मैनचेस्टर, पीटर हुक वॉज द बेसिस फॉर जॉय डिविजन, और फिर न्यू ऑर्डर के अंदर भी उसने हसियंडा के अंदर जो वहाँ पर डांस म्यूजिक एक्सटेसी और वो जो क्लब था उसके बारे में, और आई बिलीव उसके बारे में ये किताब लिखी हुई। इसकी अपनी और भी किताबें काफ़ी, अननोन प्लेजर्स और भी पीटर हुक की अच्छी है, बहुत ओपिनियनेटेड है, बहुत सख्त बोलता है, लेकिन हाउ टू नॉट रन अ क्लब, हसियंडा के बारे में इस टाइम पीरियड, उस टाइम के ऊपर, हैप्पी मंडेज, जॉय डिविजन, न्यू ऑर्डर, डांस म्यूजिक मिक्स्ड विद गिटार्स, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में है। थोड़ी बहुत मैंने देखी हुई, बट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्टफ, सो आई पिक्ड इट अप। आई वाजंट एवर इनटू दिस म्यूजिक बिकॉज आई डोंट थिंक इसका हसियंडा का कोई म्यूजिक इतना खास, डांस म्यूजिक इतना ज़बरदस्त था, बट एज वी आर सेइंग, ये चंद किताबें थी, और भी बहुत किताबें हैं। मोमन यहाँ पे सामने बैठ के अपना मेरा आईपैड के साथ खेल रहा है, बोर हो रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में जल्दी ख़त्म किया जाए और भागा जाए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और फीडबैक वगैरह देते रहिए और गप्पे लगती रहती है। थैंक यू।